तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक एटीपी के बारे में। आज हम इसका फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर एटीपी क्या होती है, एटीपी कहाँ बनती है और एटीपी का इस्तेमाल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारे ब्लड में फूड होता है वो टूटता है और हमें क्या देता है, एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो हाथों हाथ इस्तेमाल नहीं होती, उस एनर्जी को स्टोर करना ज़रूरी होता है। और उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। उन मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होता है, एटीपी। यानी हमारे रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो किस में स्टोर होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर। और जब कभी भी हमें एक्टिविटी करनी है या कोई राइडिंग करनी है, हमें मतलब वॉक करना है या कुछ भी करना है, तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, जो एटीपी में हमने एनर्जी को स्टोर करी है उस एनर्जी को निकालते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। यानी रेस्पिरेशन के दौरान हम जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी के अंदर स्टोर करते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की, हम वहाँ से एटीपी के अंदर से उस एनर्जी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसको स्टोर करते हैं हम एटीपी मॉलिक्यूल में, और जब कोई भी हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की तो हम एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर से स्टोर करी थी एनर्जी, उसको हम वापस ले लेते हैं। उसके बाद देखते हैं एटीपी किसे कहते हैं। एटीपी की फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे ट्राई है, ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी एटीपी के अंदर तीन फॉस्फेट होते हैं। इसी तरह यहाँ पे एडीपी, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, यहाँ पर है डाई, और डाई का मतलब होता है दो। इसका मतलब एडीपी में हमारे पास दो फॉस्फेट होते हैं। यानी अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं रफली, मान लीजिए ये एक, ये हमारा एडिनोसिन केमिकल है, जो एडिनोसिन एक केमिकल होता है वो आप आखिर क्लास में पढ़ेंगे, एडिनोसिन है, और यहाँ पे ट्राई फॉस्फेट है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे तीन फॉस्फेट लगे। मान लीजिए स्ट्रक्चर है हमारा एटीपी का। इसी तरह एडीपी, यहाँ पर ये, इसमें भी सेम एडिनोसिन नाम का केमिकल है, उसके साथ यहाँ पे दो डाई है, डाई का मतलब दो, यहाँ पर लगे हमारे दो फॉस्फेट। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझाया है एटीपी और एडीपी का। अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, जब कभी भी हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं, दो चीज़ों के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, तो हमें उनको एनर्जी देनी पड़ती है। या हमने ये भी पढ़ रखा है, जब कभी हम किसी दो चीज़ों के बीच में बने हुए बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो आइए देखते हैं, जब कभी भी हमारा रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसमें एक लंबी चेन होती है कार्बन की, छह कार्बन की लंबी सी चेन होती है, इसके ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी लगे होते हैं, मैं सिर्फ कार्बन यहाँ पे आपको शो करा रहा हूँ। तो होता क्या है रेस्पिरेशन में, तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये एक एक करके टूटते हैं, और हमने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, यहाँ पर बॉन्ड टूट रहे हैं, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमारी निकलती है ये एनर्जी। तो हर बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर हमें क्या निकलती है, एनर्जी। तो कार्बन का जो ये जो ग्लूकोज है हमारा रेस्पिरेशन में एक एक करके टूटता है, ये जो एनर्जी निकलती है इसका क्या होता है, तो हमारा जो ब्लड होता है, यानी हमारे ब्लड के अंदर हम देखते हैं दो चीज़ें फ्री तौर पर पाई जाती हैं। एक होती है हमारी एडीपी, जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मैंने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनाया था, ठीक है। और हमारी ब्लड के अंदर फॉस्फेट पाया जाता है, यानी जो हम बोल सकते हैं सिर्फ फॉस्फेट फ्री पाया जाता है, फॉस्फेट, खाली फॉस्फेट। तो होता क्या है, ये जो हमारी एनर्जी निकलती है, हम एनर्जी से क्या करते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, ये एनर्जी इन दोनों के बीच में आके अप्लाई हो जाती है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में आ गई, और वो क्या करती है, फॉस्फेट और एडीपी के बीच में क्या बना देती है, बॉन्ड। क्योंकि एनर्जी है तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हम बना सकते हैं, ये हमारा है ए, मान लीजिए एडीपी, और तीसरा फॉस्फेट इसके साथ बॉन्ड बन गया। अब ये क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये बन गया हमारा एटीपी। यानी हमें समझ में आया कि जब कभी भी हमारा जो रेस्पिरेशन के दौरान ये ग्लूकोज है, मान लीजिए छः कार्बन वाला, ये इसके अंदर से हर बॉन्ड टूट के जो एनर्जी निकल रही है वो क्या कर रही है, हमारे ब्लड में मौजूद एडीपी और एटीपी और पी को आपस में जोड़ रही है, आपस में बॉन्ड बना रही है। और जब कभी भी इन दोनों के बीच में याली एनर्जी बॉन्ड बना देगी एडीपी और एटीपी पी के बीच में, तो हम देखते हैं क्या बनता है हमारा एटीपी मॉलिक्यूल। अब ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है ये लगातार रेस्पिरेशन होता रहता है और लगातार एटीपी मॉलिक्यूल बनता रहता है, हमारे ब्लड में एटीपी मॉलिक्यूल बनता रहता है, उसके पास एनर्जी बहुत होती है। ये हमारा फॉस्फेट, मान लीजिए याला फॉस्फेट हमने जोड़ा है, तो हमारी जो एनर्जी निकली थी रेस्पिरेशन के दौरान वो इस बॉन्ड के अंदर स्टोर हुई हुई है। अब हमें मान लीजिए कोई से भी मसल्स के अंदर हमें एनर्जी की चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वहाँ पर ये एटीपी पहुँचेगा। तो वहाँ पर जब ये एटीपी पहुँचेगा तो क्या होगा, वहाँ पर ये एटीपी पहुँचकर क्या करेगा, अपने ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये वाले बॉन्ड को तोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब एडीपी और पी। यानी अब क्या होगा, एटीपी टूटेगा, हमारा जो एटीपी है वो टूट जाएगा और क्या बना देगा, एडीपी
प्लस फॉस्फेट। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हमारा बॉन्ड टूट रहा है, और जब बॉन्ड टूट गया है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी रिलीज को हम फिजिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका छोटा सा केमिकल रिएक्शन। लिखा हुआ है कि जब कभी भी हमारे मसल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमारा मसल्स क्या करता है, अपने पास एटीपी को बुलाता है। एटीपी को बुलाने के बाद क्या करता है, उसके फॉस्फेट को वहाँ से हटा देता है, वहाँ के बॉन्ड तोड़ देता है, और वहाँ से क्या निकलती है, हमारी एनर्जी, उस एनर्जी को वो यूज़ कर लेता है अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है कि देख सकते हैं एटीपी, एटीपी टूटा किस में, एडीपी में और फॉस्फेट में, और यहाँ से एनर्जी निकल गई। ये हमारा एटीपी का स्ट्रक्चर है, रफली बना रखा है। यहाँ से क्या हुआ, मान लीजिए ये वाला फॉस्फेट यहाँ से टूटा, ये बन गया हमारा एडीपी, और वो जो फॉस्फेट टूटा था वो ये रहा, और यहाँ पे बॉन्ड टूटा है, और बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या निकली, एनर्जी, इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद एक छोटा सा रिविजन करते हैं। हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था वो क्या कर रहा था, एक एक करके टूट रहा था, बॉन्ड टूट रहे थे, वहाँ से निकल रही थी एनर्जी। उस एनर्जी का कौन इस्तेमाल कर रहा था, हमारे ब्लड में मौजूद जो फ्री एडीपी और फॉस्फेट थे वो इस्तेमाल कर रहे थे, और दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे थे उस एनर्जी को लेके, और क्या बन जा रहे थे वो, एटीपी। अब वो एटीपी की जब कभी भी हमें एनर्जी की जरूरत थी, वो एटीपी वहाँ पहुँच रहा था, वहाँ पे टूट रहा था, जो फॉस्फेट जुड़ा था वो फॉस्फेट अब टूटेगा, और टूटेगा तो वहाँ क्या निकलेगी, एनर्जी, उसका एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये साइकिल चलती रहती है, रेस्पिरेशन के दौरान हमारे एटीपी बनते रहते हैं, और जब कभी भी हमें मसल की जरूरत होती है हम उस एटीपी को बुलाते रहते हैं, उसको तोड़ते रहते हैं, हम एनर्जी को निकालते रहते हैं। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था एटीपी का। तो ये हमारे यहाँ पे एटीपी खत्म। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है रेस्पिरेशन की तो आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।